दोस्तों, जाने माने एक्टर आशीष रॉय की आज किडनी फेल होने से आज निधन हो गई। पिछले कुछ दिनों से वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। उनके पास इलाज कराने के भी पैसे नहीं थे। उन्होंने कई बार सोशल मीडिया पे अपने इलाज के लिए पैसे की मदद भी मांगी थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति। उन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत से महान काम किए हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। आशीष जी का जन्म 18 मई 1965 को न्यू दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपने स्कूल तक की पढ़ाई रसीना बंगाली स्कूल न्यू दिल्ली से की। उनके कैरियर की बात की जाए तो 1997 में उन्होंने एक थिएटर आर्टिस्ट से काम करना स्टार्ट किया था। उन्होंने अपना टीवी शो में डेब्यू डीडी नेशनल टीवी सीरीज बॉय मुकेश बक्सी से किया। उसके बाद भी उन्होंने कई टीवी सीरीज में काम किया है, जैसे सेकर्स, बा बहू और बेबी, ससुराल सिमर का, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी आदि। इसके साथ ही उन्होंने कई बॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो, मेरा पहला पहला प्यार, राजा नटवरलाल आदि। वो एक डबिंग आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने कई हॉलीवुड मूवी को भी हिंदी में डब किया हुआ है, जैसे सुपरमैन रिटर्न, मैन ऑफ स्टील, गार्जियन ऑफ गैलेक्सी, द लेजेंड ऑफ टार्जन। उनकी फैमिली की बात की जाए तो उनकी माँ का निधन कैंसर से हो गया था और उनकी एक बहन भी है जिसका नाम कोनिया है। आशीष जी ने अभी तक शादी नहीं की थी। तो दोस्तों, ये थी आशीष रॉय जी की कहानी। एक बार कमेंट बॉक्स में ओम शांति कमेंट कीजिएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति।